हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल यानी कि ड्रॉई की बात कर रहे हैं व्हेन द एक्सेप्टर ड्रॉई यानी कि बायर ऑफ द बिल रिफ्यूजेस टू टू पे द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ मेचोरटी और बिकम्स इन बच्चों जब बायर जिसने पेमेंट देनी है ड्यू डेट वाले दिन ऑन द ड्यू डेट या मेचोरिटी डेट रिफ्यूज़ कर देता है पेमेंट देने के लिए किसको को ड्रॉर को देन इट इज़ कॉल्ड डिस डिसऑनर ऑफ द बिल सो यदि हम एग्जांपल लें ए सेलर है बी बायर है तो बी यानी कि बायर यानी कि ड्रॉई ड्यू डेट वाले दिन ही रिफ्यूज टू पे द पेमेंट वो पेमेंट देने के लिए मना कर देता है देन इट इज़ कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है

जो बिल का होल्डर है जिसके पास एट प्रेजेंट बिल पड़ा हुआ है अब इस पर्पस के लिए वो क्या करेगा देखो फॉर दिस पर्पज द होल्डर ऑफ द बिल मस्ट सर्व ए नोटिस ऑफ डिसऑनर बच्चों, जिसके पास बिल पड़ा है होल्डर को एक नोटिस मिलना चाहिए क्या कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है और वो किससे मिलेगा दोबारा पढ़ते हैं इसको द होल्डर ऑफ द बिल मस्ट सर्व ए नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द ड्रॉर एंड ईच प्रायर एंडोर्सर्स जो पहले वाला हर एक पहले वाला जो एंडोर्सर होगा होम ही सीक्स टू मेक लाइबल फॉर पेमेंट जिसके लिए वो लाइबल था पेमेंट करने के लिए उसको नोटिस सर्व करना बहुत ज़रूरी है सच नोटिस मस्ट बी सर्वड इमीजिएटली जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ है उसी दिन ही होल्डर ऑफ बिल जो बिल का होल्डर है उसको एक नोटिस सर्व करना जरूरी है किसका नोटिस कि जो आपका बिल है वो डिसऑनर हो गया है और इमीजिएटली सर्व करना है आफ्टर डिसऑनर और विद इन ए रीजनेबल टाइम एक रीजनेबल टाइम के अंदर या आफ्टर इमीजिएट आफ्टर डिसऑनर इफ दिस इज नॉट डन यदि ऐसा नहीं होता हम जो होल्डर के पास इमिजिएट नोटिस सर्व नहीं करते डिसऑनर का देन होल्डर ऑफ द बिल लूजेज हिज राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी तो होल्डर को उस पार्टी से अमाउंट रिकवर करने का राइट right नहीं रहेगा टू होम सच नोटिस इज नॉट If such notice is not served, यदि हम नोटिस नहीं सर्व करते तो होल्डर को पैसे रिकवर करने का कोई भी राइट नहीं रहेगा राइट तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो एक बारी example देकर समझा देती हूँ बच्चों जैसे हर वीडियो में समझा रहे हैं ए सोल्ड गुड्स टू बी तो ए seller भी है drawer भी है बी बायर या ड्राइ ए ने गुड्स सोल्ड करे क्रेडिट पे ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और बी ने साइन करके एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया ए को तो नाउ एट प्रेजेंट ए विल बी द होल्डर ऑफ द बिल राइट ड्यू डेट आ गई बच्चों ड्यू डेट वाले दिन बिल किसके पास पड़ा हुआ है ए के पास प्रेजेंटली ए इज द होल्डर ऑफ द बिल तो ड्यू डेट वाले दिन ऑन द ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट बी रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट या बी इज अनएबल टू मेक पेमेंट टू ए बी जो है पेमेंट नहीं देता ए को तो दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल सो बी ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट देने के लिए ए को अब ए क्या करेगा आफ्टर मैनी रिमाइंडर बी ने पेमेंट नहीं दी तब ए क्या करेगा बच्चों ए जो है नोटरी पब्लिक के पास जाएगा ये नोटरी पब्लिक क्या है कौन है ये एक पर्सन है जिसको कोर्ट ने अथो अथोराइज़ किया हुआ है ये कोर्ट की तरफ का एक पर्सन है ए जो है सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिली ड्यू डेट वाले दिन वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और ये बोलेगा कि बी जो भी सो एंड सो पार्टी है बायर इस पर्सन ने इस फॉर्म ने मेरी पेमेंट नहीं दी तो अब नोटरी पब्लिक क्या करेगा ये देखो टू एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट द बिल वॉज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिसऑनर्ड द बिल इज यूजली हैंड ओवर टू ए पर्सन कॉल्ड नोटरी पब्लिक बच्चे जो सेलर है सेलर के पास जो पेमेंट नहीं पहुंचेगी वो क्या करेगा नोटरी पब्लिक के पास जाएगा बिल लेकर द बिल इज यूजली हैंडेड ओवर

बी के पास भेजेगा यानी कि ड्रॉई के पास भेजेगा कि पेमेंट दो ए की राइट अब नोटरी रिपब्लिक भेज रहा है पेमेंट के लिए नोटिस उसको इफ द एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई यानी कि बी इफ द एक्सेप्टर स्टिल रिफ्यूजेज टू मेक द पेमेंट और मान लो एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई अभी भी मना कर देता है पेमेंट करने के लिए देन द नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल इट्स तो नोटरी पब्लिक वो जो फैक्ट्स हैं कि किस कारण से बिल डिस हुआ है बी ने यानी कि ड्रॉइंग ने पेमेंट क्यों नहीं दी वो फैक्ट्स नोट डाउन करेगा सच एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक जो काम करा है जो उसका एक्ट है ये सच एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड नोटिंग जो उसने नोटिस भेजा दोबारा से एक बी को ड्रॉई को टू मेक द पेमेंट टू ए सच एक्ट इज नो नोन एज नोटिंग सो अब जो नोटरी पब्लिक ने सर्विसेज दी हैं नोटरी पब्लिक चार्ज इज ए स्मॉल फी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम जो उसने अपनी सर्विसेज दी हैं बी से अमाउंट रिकवर करने के लिए उसके लिए वो स्मॉल फी चार्ज करता है एंड दैट फी इज़ कॉल्ड नोटिंग चार्जेज सच चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक ये जो स्मॉल अमाउंट है नोटिंग चार्जेस का जो उसने अपनी सर्विसेज के बदले में लिया है सच चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक फर्स्ट फर्स्ट बाय द होल्डर ऑफ द बिल बच्चे नोटरी पब्लिक के पास गया कौन है सेलर गया स्टार्टिंग में सबसे पहले और उसने सेलर गया और उसने अपनी बात रखी है कि मुझे बी पेमेंट नहीं दे रहा तो ड्रॉ नोटरी पब्लिक को जो ये नोटिंग चार्जेस हैं ये कौन दे रहा है सेलर यानी कि ड्रॉर देगा सबसे पहले But, नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट आर अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर बच्चों देखो नोटिंग चार्जेस जो फी पे करी है नोटरी पब्लिक को वो पहले इनिशियली ए पे करेगा सैलर पे क्योंकि नोटरी पब्लिक के पास फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच किसने करी है ए ने करी है राइट right? ये उसकी फीस दे देगा लेकिन अल्टीमेट ये जो डिसऑनर हुआ है ये बी की वजह से हुआ है बी ने पेमेंट देने के लिए मना करा है अल्टीमेट फाइनली एंड में बी विल मेक द नोटिंग चार्जिस टू ए बी क्या करेगा जब अपनी ड्यूज़ क्लियर करेगा जब अपना अमाउंट पे करेगा उसके साथ वो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी ए को दे देगा तो इनिशियली जो नोटिंग चार्जेस का जो एक्सपेंस है इनिशियली पहले ए पे करेगा यानी कि ड्रॉर पे करेगा एंड लेटर ऑन जब बी अपने टोटल ड्यूज़ देगा ए को तो वो टोटल ड्यूज़ कैसे देगा नोटिंग चार्जेस के साथ क्योंकि अल्टीमेट बी ही रिस्पॉन्सिबल है बिल के डिसऑनर के लिए सो so बच्चों इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं फॉलोइंग एंट्रीज आर पास फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल अभी रिबेट वाला किया था अब करेंगे बिल डिसऑनर हो गया अब ये केस ध्यान रखना बच्चे केस द बिल इज हेल्ड बाय द ड्रॉर हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी मतलब बिल जो है वो ड्रॉर यानि कि सेलर के पास पड़ा हुआ है मेचोरटी डेट वाले दिन मीन्स बी ने ड्रॉर को मना करा बी रिफ्यूज टू तो मेक पेमेंट टू ए बी किस को पेमेंट देने से मना कर रहा है ए को क्यों क्योंकि अल्टीमेट ड्यू डेट वाले दिन बिल किस के पास पड़ा है ए के पास पड़ा है चलो so, बच्चों इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं इन द केस ऑफ़ एक्स यानि कि वही सेलर इसने एक्स और वाई यूज़ करा है एक्स सेलर है और वाई जो है वो बायर है ड्रॉई है ये लो बच्चों वेन वाई द एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट ये ड्यू डेट वाले दिन की एंट्री है बच्चे ड्यू डेट वाले दिन की जो भी ड्यू डेट बनेगी वो पहले वाली इनिशियल वाली एंट्रीज वही सेम है सेल परचेज की ए ने बी के ऊपर बिल लिखा बी ने साइन करके दे दिया ए को वो सब चलेंगे एंट्रीज ये सिर्फ हम हम डिसऑनर की एंट्री कर रहे हैं ड्यू डेट वाले दिन वाई रिफ्यूज टू मेक पेमेंट टू एक्स अब क्या होगा सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री करो डिसऑनर की एंट्री में बच्चों आप सेकेंड एंट्री याद करो हम सेल परचेज के बाद एंट्री करते थे बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई ये है हमारी जब बिल डिसऑनर हो गया वाई ने मना कर दिया ये देखो बच्चो क्रेडिट वट गोज आउट और वाई डेबिट हो रहा है वाई अकाउंट डेबिट टू बी या डेबिट द रिसीवर वाई को बिल दे रहे हैं दिखा रहे हैं कि तुम्हारा बिल डिस हो गया तुमने पेमेंट नहीं करी वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट ये बिल डिसऑनर की एंट्री है इन द केस ऑफ एक्स वाई के केस में आओ डेबिट व्हाट कम्स इन बिल आया इसने तो मना कर दिया था ना इसने एक्स ने बिल पकड़ाया है डेबिट व्हाट कम्स इन बी अकाउंट डेबिट टू एक्स ये बिल डिसऑनर हो गया यानी कि कैंसल्ड हो गया बिल डिसऑनर और कैंसल्ड ये एक्स के केस में डिसऑनर की एंट्री है ये वाई के केस में डिसऑनर की एंट्री है अब एक्स क्या करेगा बच्चों ध्यान दो एक्स क्या करेगा नोटरी पब्लिक के पास जाएगा उसको बोलेगा कि वाई मेरी पेमेंट नहीं दे रहा आप देखो क्या होगा एक्स पेज नोटिंग चार्जेस एक्स जा रहा है ना बच्चों किसके पास नोटरी पब्लिक के पास क्रेडिट वट गोज और देखो उसको कुछ पेमेंट दे रहे पेमेंट दे रहे वाई को डेबिट क्यों करें क्योंकि अल्टीमेट जो नोटिंग चार्जेज पे किसने करने हैं वाई ने तो वाई जो है एक्स के लिए डेटर है यहां पर भी डेटर है वाई रिसीवर नहीं है वाई ने देनी थी पेमेंट तो कैश गया तो अल्टीमेट ये नोटिंग चार्जेस के पेम, पेमेंट किससे रिकवर होंगे वाई से वाई अकाउंट डेबिट टू तो कैश अकाउंट यहाँ पर आओ अभी हमने बताया था इनिशियली एक्स के पास कौन गया सॉरी नोटरी पब्लिक के पास कौन गया एक्स तो नोटिंग चार्जेस कौन देगा वो भी एक्स देगा तो एक्स के पास से कैश गया राइट इनिशियली पेमेंट किसने दी एक्स ने लेकिन बाद में ये पेमेंट कौन रिकवर देगा वाई देगा तो एक्चुअली नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा है वो एक्चुअली एक्सपेंस है किसके लिए वाई के लिए भले ही एक्स ने पे करें अभी लेकिन अल्टीमेट वो नोटिंग चार्जेस का जो एक्सपेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वाई तो वाई के केस में नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट एक्स को देने हैं किसने वाई ने अब आगे लो बच्चो ये दो इसकी कंबाइन एंट्री करी हुई है देखो वाई डेबिट टू बी आर वाई डेबिट टू कैश दोनों में वाई कॉमन है डेबिट उसने सिंगल एंट्री बना दी है कंपाउंड एंट्री जिसको बोलते हैं वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट टू कैश अकाउंट ये दो कर लो या ये सिंगल कर लो बात एक ही है यहाँ पर देखो बी पी अकाउंट डेबिट टू एक्स नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स तो आप क्या करो एक्स दोनों में कॉमन है क्रेडिट तो बी पी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू एक्स चाहे ये ऑल्टरनेट एंट्री है बच्चों दोनों की ये दो कर लो या ये कर लो ये दो कर लो या ये कर लो सो so, ये डिसऑनर की एंट्री है वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर वाई जो है डेटर है वाई ने पेमेंट देनी है राइट बच्चों ये बी आर कैंसलेशन की एंट्री है सो so, इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं सो लेट्स डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक फर्स्ट जनवरी 2014 थाउजेंड एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई एक्स ने वाई को सामान बेचा बीस हजार का लेस टू परसेंट कैश डिस्काउंट ट्रेड नहीं है बच्चों कैश डिस्काउंट है बुक्स में शो करेंगे तो बीस हजार का सामान बेचा एक्स ने वाई को वाई पेड फिफ्टी परसेंट प्राइस इमिजिएटली बीस हजार का फिफ्टी परसेंट टेन थाउजेंड वाई ने इमीजिएट दस हजार निकाल के एक्स को दे दिए इमीजिएट मीन सेम डेट ठीक है अब दस हजार की पेमेंट आ गई एक्स के पास अब एक्स वाई के ऊपर कितने का बिल लिखेगा रिमेनिंग अमाउंट का टेन थाउजेंड का एंड एक्स ड्रू ए बिल एक्स ने बिल क्यों लिखा वाई के ऊपर क्योंकि एक्स वाई ने पूरी पेमेंट नहीं दी वाई ने फिफ्टी परसेंट दस हज़ार दिए अब एक्स वाई के ऊपर जो बिल लिखेगा बच्चों वो दस हजार का लिखेगा कौन से दस हजार जो वाई ने अभी नहीं दिए एक्स ड्रू ए बिल ऑन वाई फॉर टू मंथ्स फॉर द बैलेंस अमाउंट यानी कि वाई ने दस हजार अभी देने हैं एक्स वाई के ऊपर बैलेंस अमाउंट दस हजार का बिल लिखेगा और बच्चों वाई ने दस हजार देने के लिए कितना टाइम मांगे टू मंथ्स तो एक काम करो पहले मेचोरिटी डेट निकालते हैं फर्स्ट जनवरी के बाद टू मंथ्स करो फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट फेबररी फर्स्ट फेबररी से फर्स्ट मार्च फर्स्ट मार्च आ गया तीन दिन ऐड करो तो चार मार्च हमारी ड्यू डेट है तो चार मार्च को वाई जो है एक्स को पेमेंट करेगा बैलेंस अमाउंट की दिस बिल ज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई वाई एक्स ने दस हजार का बिल लिखा वाई के ऊपर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया साइन कर दिए क्या कहा क्या मतलब है एक्सेप्ट करने का कि मैं पेमेंट कर दूंगा ड्यू डेट वाले दिन रिमेनिंग अमाउंट की द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट बच्चों समझो इसका मतलब वाई जो है चार मार्च को जो रिमेनिंग अमाउंट था उसकी पेमेंट नहीं कर पाया एक्स को बिल क्या हो गया डिसऑनर एक्स पेड अब एक्स कहां जाएगा एक्स के पास पेमेंट नहीं पहुंची रिमेनिंग पेमेंट एक्स कहां जाएगा नोटरी पब्लिक के पास जाएगा एंड एक्स पेड रुपीज हंड्रेड एज नोटिंग चार्जेस टू नोटरी पब्लिक एक्स गया एक्स ने सौ रुपए नोटरी पब्लिक को दिए उसकी सर्विसेज की राइट वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स अब नोटरी पब्लिक ने क्या करा होगा वाई को दोबारा से बिल भेजा पेमेंट देने के लिए अब दोबारा क्या हो रहा है वाई पेड द पेमेंट अब वाई पेमेंट कर रहा है ड्यू डेट वाले पेमेंट ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट नहीं करी वाई ने अब वाई पेमेंट कर रहा है जब नोटरी पब्लिक बीच में आया है वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स जितना अमाउंट देना था एक्स को वाई दे रहा है कितना देना था बच्चों एक रिमेनिंग अमाउंट प्लस सौ रुपये नोट नोटिंग चार्जेस के जो अभी फिलहाल एक्स ने दिए हैं लेकिन अल्टीमेट कौन देगा वाई देगा बैलेंस अमाउंट प्लस सौ रुपये नोटिंग चार्जेस के कब दे रही है वाई अमाउंट आफ्टर टेन डेज पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज अब दोनों पार्टीज के, के केस में हम जनरल एंट्री करते हैं ये लो बच्चों एक चीज ध्यान रखो ये बिल डिसऑनर हुआ है बच्चों ठीक है लेकिन वो सेल परचेज वाली स्टार्टिंग की एंट्रीज वही की वही रहेंगी तो अब हम करते हैं फर्स्ट जनवरी 2014 है बच्चों स्टार्ट करो जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स एक्स के केस में एंट्री देखो एक्स ने सामान बेचा है बच्चे गुड्स बेचे हैं एक जनवरी को वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड इसने गुड्स सेल करे इसने गुड्स परचेज करे वाई ने परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स बीस हजार बीस हजार आगे देखो सेम डे एक्स ने वाई के ऊपर सॉरी वाई ने फिफ्टी परसेंट की पेमेंट दे दी वाई ने फिफ्टी परसेंट की पेमेंट इमीडिएटली दे दी ठीक है तो एक्स के पास क्या आया पेमेंट आई बच्चों ये लो कैश अकाउंट डेबिट अठानवे अब एक बात बताओ अभी हमने डिस्काउंट पढ़ा है टू परसेंट ये क्यों दिए एक्स ने डिस्काउंट क्योंकि वाई जो है कैश पेमेंट दे रहा है फुल नहीं दे रहा फिफ्टी परसेंट दे रहा है तो जितनी पेमेंट एक्स के पास आ रही है एक्स उसको उसी पेमेंट का कैश डिस्काउंट देगा तो एक्स के पास आ कितना रहा हाफ अमाउंट दस हज़ार तो जितना अमाउंट आ रहा है उतने अमाउंट पर एक्स जो है कैश डिस्काउंट देगा देखो बच्चों ये दस हज़ार है दस हजार की हाफ पेमेंट आ रही है ना टेन थाउजेंड इंटू टू हंडेंट दो दस हजार देने लेकिन एक्स ने दो सौ रुपए की छूट दे दी है तो डेबिट कम्स इन एक्चुअली एक्स के पास आया कितना अट्ठानवे सो क्रेडिट द गिवर किसने दिया है वाई वाई ने एक्चुअली देने कितने थे दस हजार कैश मिल कितना रहा है एक्स को अठानवे तो दो सौ रुपए एक्स के लिए लॉस है चाहे एक्स ने खुद ही डिस्काउंट दी है, मिल, मिल है वाई की तरफ से तो इसके पास कैश आया और वाई ने दिया इसके पास वाई के पास से कैश गया ये देखो क्रेडिट वट गोज आउट अठानवे सो गए देने तो ये दस हजार गया था लेकिन एक्स ने एक्सेप्ट कितने करे नाइनटी एट हंड्रेड डेबिट द रिसीवर रिसीवर कौन था एक्स एक्स को मिलने कितने थे दस हजार वाई ने दिए कितने हैं वाई के बुक्स में क्रेडिट वट गोज आउट कैश जा कितने का है नाइन्टी एट हंड्रेड का तो वाई के लिए इनकम होगी दो सौ रुपये का गेन हो गया तो गेन ऑलवेज क्रेडिट होता है तो इसके पास कैश आया एक्स के पास फिफ्टी परसेंट वाई ने कैश वाई ने के पास से कैश गया अब एक्स रिमेनिंग अमाउंट का बिल लिखेगा एक्स ने दस हजार का बिल लिखा वाई के ऊपर वाई ने साइन करके इसको दे दिया है ये सेम डे अभी बच्चों एंट्रीज चल रही हैं फर्स्ट जनवरी को एक्स के पास बिल आ गया एक्स के पास बिल आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन बी आर अकाउंट डेबिट ये रिमेनिंग दस हजार रिमेनिंग अमाउंट जो नहीं दिए एक्स क्यों बिल लिखेगा क्योंकि जो अमाउंट नहीं दिया वाई ने एक्स तभी तो बिल लिख रहा है बच्चों तो एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर वाई को दिया वाई ने साइन करके एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया एक्स को तो डेबिट व्हाट कम्स इन एक्स के पास बिल आया वाई का साइन किया हुआ क्रेडिट द गिवर किसने दिया वाई ने तो इसके पास बिल आ गया इसने बिल दिया है क्रेडिट वट गोज आउट देखो वाई की बुक्स में बीपी क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट वट गोज आउट बिल जा रहा है डेबिट द रिसीवर किसको जा रहा है बिल एक्स को जा रहा है दस हजार अब आगे ड्यू डेट आ गई बच्चों चार मार्च जो अभी हमने निकाली थी चार मार्च को क्या हुआ है वाई ने पेमेंट कर दी है कि मैं पेमेंट नहीं दे सकता जो भी उसका रीजन बने वाई रिफ्यूज टू मेक पेमेंट अब रिफ्यूज हो गया ये कहां जाएगा एक्स कहाँ जाएगा नोटरी पब्लिक के पास जाएगा तो बच्चों मैंने अभी बताया आपको दो अलग अलग एंट्री भी बताई है और एक कम्बाइंड एंट्री भी बताई है तो यहां पर हम कंबाइन कर लेते हैं इजी रह जाती है तो ये कम्बाइन एंट्री में बच्चों हम क्या करेंगे ये डिसऑनर की एंट्री प्लस जो नोटिंग चार्जेस ये कंबाइंड एंट्री है डिसऑनर की भी और नोटिंग चार्जेस पेड की भी एंट्री है देखो अब जो डिसऑनर की एंट्री बच्चों वो दोनों के केस में होगी चाहे वो ड्रॉर है चाहे वो ड्रॉई है तो करो बच्चों चार मार्च ड्यू डेट वाले दिन बिल डिसऑनर हुआ है वाई ने मना कर दिया है अब क्या करेंगे ये एंट्री देखो बच्चों ये एंट्री देख रहे हो बिल रिसीव करने की एंट्री इसको रिवर्स कर दो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर देख रहे हो ये डिस की एंट्री है जो अभी मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करवाई है बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई है इसका रिवर्स कर दो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर होगी ये एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर ये तो होगी बच्चे डिसऑनर की एंट्री अभी मैं हाफ एंट्री की बात कर रही हूँ हाफ एंट्री वाई अकाउंट आर ये हाफ एंट्री ये डिसऑनर की एंट्री होगी अब एक्स कहाँ जाएगा नोटरी पब्लिक के पास जो सौ रुपये दिए हैं वो कौन दे रहा है अभी इनिशियली स्टार्टिंग में कौन दे रहा है एक्स दे रहा है जो अप्रोच करेगा नोटरी पब्लिक को वही पे करेगा अभी टू कैश क्रेडिट वट गोज आउट एक्स के पास से कैश गया अभी ठीक है बाद में वाई दे देगा लेकिन अभी कैश ये जो सौ पे या नोटिंग चार्जेस के ये कौन पे कर रहा है एक्स पे कर रहा है तो ये कंबाइन एंट्री है।, -गे है वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर वाई अकाउंट डेबिट टू कैश ये दो अलग अलग एंट्री है ये इकट्ठी कंपाउंड एंट्री कर रखी है वाई अकाउंट डेबिट टू बी टू कैश तो ये कंबाइन एंट्री है बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स देखो बिल तो डिसऑनर का था बिल के आगे अमाउंट आप चेंज नहीं कर सकते याद रखना बिल के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वही का वही आएगा नोटिंग चार्जेस सौ रुपए के थे दस हजार एक सौ देखो वही डेटर है एक्स का एक्स की बुक्स में वही डेटर है हो डेबिटोर है मतलब अल्टीमेट पेमेंट तो वाई नहीं देनी तो वाई अब कितनी पेमेंट देगा दस हजार सौ दिए नहीं अभी देने हैं एक्स के लिए वाई डेटर है वाई ने दस हज़ार तो देने ही देने है, साथ नोटिंग चार्जेस भी टोटल अमाउंट पे करेगा ये एक्स के केस में डिसऑनर की एंट्री है ये वाई के केस में और डिसऑनर की एंट्री अभी देखो बच्चों ये वाई ने साइन करके बिल दिया था इस एंट्री को रिवर्स कर दो एक्स अकाउंट डेबिट टू तो बी था यहाँ पर कर दो बी अकाउंट डेबिट टू तो एक्स कर दिया बी या बी इसके आगे सामने का अमाउंट हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते तो बीपी अकाउंट डेबिट दस हजार अब ठीक है ये जो सौ पे थे अब भी एक्स ने दिए हैं नोटरी पब्लिक को एक्चुअली में एक खर्चा किसका ये बिल जो डिसऑनर हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है इस वाई की वजह से हुआ है सो नोटिंग चार्जेस जो डेबिट होंगे वो वाई के बुक्स में होंगे अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबल है वो वाई है बच्चों तो क्या करेंगे पहले तो नॉर्मल एंट्री कर दो बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स और नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर दो किसकी बुक्स में वाई की बुक्स में तो बीपी डेबिट दस हजार नोटिंग चार्जेस सौ रुपए एक्चुअली खर्चा इसका है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स देखो एक्स क्रेडिटर है एक्स को कितने मिलने हैं दस हजार सौ रुपये वाई ने देने हैं एक्स को दस हजार सौ रुपए अब बच्चों लास्ट एंट्री अब एक्स कहां गया था नोटरी पब्लिक के पास नोटरी पब्लिक ने दोबारा से इसको डांट लगाई वाई को बिल भेजा कि पेमेंट कर दस दिन के बाद अब वाई पेमेंट कर रहा है कब कर रहा है जब नोटरी पब्लिक बीच में आया है मीडिएटर बन के टेन डेज लेटर चार मार्च चार मार्च के बाद दस दिन करो चौदह मार्च को चौदह मार्च को बच्चों क्या हो रहा है वाई पेमेंट देने आ रहा है एक्स के पास डेबिट द रिसीवर बैंक डेबिट और एक्स के केस में पेमेंट आई क्रेडिट द गिवर किसने दिया है टू वाई दस हज़ार सौ रुपये दस हज़ार सौ रुपये इसके बाद पेमेंट आ गई इसके पास पेमेंट गई दस दिन के बाद ही पेमेंट दे रहा है वाई कब जब मीडिएटर नोटरी पब्लिक बीच में आया है चौदह मार्च को क्रेडिट द गिवर वाई गिवर है वाई के अकाउंट में से जा रहे हैं दस हजार सौ रुपए डेबिट द रिसीवर किस को जा रहे हैं एक्स को जा रहे हैं कितना कितना देगा ध्यान रखो पूरे पेमेंट जो सौ रुपए एक्स ने भरे थे वो भी वाई देगा अल्टीमेट वाई इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल राइट सो ये था आपका हमारा टॉपिक डिसऑनर ऑफ द बिल कैसे वाई ने मना कर दिया एक्स नोट रिपब्लिक के पास जाता है कि पेमेंट करो कि मेरी पेमेंट दिलवाओ फिर वाई जब मीडिएटर नोटरी पब्लिक बीच में आता है फिर वाई पेमेंट दे रहा है किसको एक्स को